गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम जानेंगे जो ITI फीटर ट्रेड होता है तो उसके सिलेबस के अनुसार जो लिस्ट ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ITI फीटर ट्रेड का यह सिलेबस है, ठीक है। फीटर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम NSQF लेवल 4। यहाँ देखिए फीटर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम NSQF लेवल 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं फीटर लिस्ट ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट का जो ये पार्ट ए है ट्रेनी टूल किट, तो इसका वीडियो पहले लोड हो चुका है। इसी प्रकार ये जो आप देख रहे हैं पार्ट बी इंस्ट्रूमेंट एंड जनरल शॉप आउटफिट का जो ये इंस्ट्रूमेंट है तो इसका भी जो जितना टूल्स है इसका वीडियो लोड हो चुका है। तो आज हम जानेंगे ये जो जनरल शॉप आउटफिट है तो इसमें कौन कौन सा टूल्स है इसके बारे में जानेंगे। सीरियल नंबर 33 सरफेस प्लेट CI, ठीक है, मतलब कि कास्ट आयरन ग्रेनाइट विथ स्टैंड एंड कवर। तो इसका साइज चाहिए 600 mm × 600 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम सरफेस प्लेट बोलते हैं और इसका मटेरियल कास्ट आयरन है, मतलब यह कास्ट आयरन का बना हुआ सरफेस प्लेट है, ठीक है। और इसका साइज 600 mm × 600 mm है। यहाँ फोकस करना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका साइज यहाँ देखिए 60 cm, मतलब 600 mm है। और फिर हम अगर इधर से नापते हैं तो ये देखिए यहाँ भी इसका साइज 60 cm, मतलब 600 mm है। तो ये सरफेस प्लेट है, ठीक है। और सरफेस प्लेट को ये जो आप देख रहे हैं स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। ये सरफेस प्लेट हो गया, ये सरफेस प्लेट का स्टैंड हो गया। और ये जो देख रहे हैं तो यह कवर है, मतलब सरफेस प्लेट का यह कवर है। जब सरफेस प्लेट पर काम हम लोग कर लेते हैं तो काम करने के बाद इसे कवर के द्वारा ढका जाता है। इस प्रकार इसे कवर के द्वारा ढका जाता है। तो यहाँ फिर से देख ले, यह सरफेस प्लेट का कवर हो गया, यह सरफेस प्लेट हो गया और ये जो देख रहे हैं सरफेस प्लेट स्टैंड हो गया। और ये जो सरफेस प्लेट है तो इसका प्रयोग मार्किंग के समय प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं सरफेस प्लेट के ऊपर एंगल प्लेट को रखते हैं और जिस जॉब पे मार्किंग करना है उसे इस प्रकार रखते हैं। और हाइट गेज के द्वारा, ये जो देख रहे हैं बर्नियर हाइट गेज है, तो जिस ऊंचाई पर मार्किंग करना है उस ऊँचाई पर बर्नियर हाइट गेज को सेट करके जॉब के ऊपर मार्किंग करते हैं। मतलब मुख्य रूप से सरफेस प्लेट का काम मार्किंग के समय प्रयोग होता है। तो ये जो देख रहे हैं सरफेस प्लेट हो गया और ये जो देख रहे हैं यह मार्किंग टेबल हो गया। सीरियल नंबर 34 मार्किंग टेबल माइल्ड स्टील का, ठीक है। तो इसका साइज चाहिए 900 mm × 900 mm × 900 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम मार्किंग टेबल बोलते हैं जो कि माइल्ड स्टील का बना हुआ है और इसका साइज 900 mm या लंबा है, 900 mm चौड़ा है और 900 mm इसका ऊंचाई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मार्किंग टेबल का जो यह लंबाई है यहाँ देखिए 90 cm, मतलब कि यह 900 mm है, ठीक है। इसी प्रकार इसका जो चौड़ाई देख रहे हैं
तो यहाँ भी देख रहे हैं कि इसका चौड़ाई भी 900 mm है और इसका जो ऊंचाई है तो यह भी 90 सेंटीमीटर मतलब कि 900 mm यह ऊंचा है। ये जो मार्किंग टेबल है तो इसका उपयोग जॉब पर मार्किंग करने हेतु किया जाता है, या छोटा जॉब हो या बड़ा साइज का जॉब हो तो इसे हम मार्किंग टेबल के ऊपर रखते हैं और इस पे जो मार्किंग करना है, मान लिया जाए इस जॉब पे हमें स्क्राइबर के द्वारा मार्किंग करना है तो टेबल पे रख कर मार्किंग करते हैं और इस लाइन पर अगर हमें पंच भी मारना है तो इस प्रकार इस मार्किंग टेबल का प्रयोग मार्किंग करने हेतु उपयोग होता है। सीरियल नंबर 35 यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक, तो इसका साइज चाहिए 220 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसको हम यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक बोलते हैं, तो इसी को हम यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक बोलते हैं और यह 220 mm साइज का है। ये जो यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक है तो इसका प्रयोग ये जो गोल जॉब है तो गोल जॉब का सेंटर मालूम करने में भी किया जाता है, तो इसके लिए ये जो भी ब्लॉक है भी ब्लॉक के ऊपर इस गोल जॉब को रखते हैं, फिर इसे क्लैंप करते हैं और फिर यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक को सही ऊंचाई पर सेट करके इसे इस प्रकार 3-4 बार घुमाकर हम किसी राउंड जॉब का सेंटर मालूम कर सकते हैं। ये जो आप यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक देख रहे हैं तो इसका प्रयोग लेथ मशीन, जो ये देख रहे हैं तो लेथ मशीन में जब हम जॉब को बांधते हैं तो जॉब को सेंटर में बांधने के लिए यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं यह एक जॉब है, इसको लेथ मशीन के फोर्जा चक में सेंटर में बांधना है, तो इस प्रकार तो यहाँ देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए क्या है, ये अभी सेंटर में जॉब नहीं बंधा हुआ, ठीक है, तो इसे सेंटर में बांधने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जॉब को फोर्जा चक में सेंटर में स्क्राइबिंग ब्लॉक के सहायता से बांधा गया है। सीरियल नंबर 36 वी ब्लॉक पेयर विथ क्लैंप, तो इसका साइज चाहिए 150 mm गुना 100 mm गुना 100 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम भी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, ये देखिए ये हो गया भी ब्लॉक और ये जो देख रहे हैं यह इसका क्लैंप हो गया, तो इस प्रकार यह भी ब्लॉक पेयर मतलब भी ब्लॉक जोड़ा में है, भी ब्लॉक पेयर विथ क्लैंप, ठीक है, और इसका साइज 150 mm बाई 100 mm बाई 100 mm है, तो यहाँ देखिए इसका साइज, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका साइज 150 mm 15 सेंटीमीटर है मतलब 150 mm, फिर ये देखिए यहाँ 100 mm और फिर इसका
ये नापेंगे तो यह भी 100 mm है। तो इस प्रकार इसका साइज 150 mm by 100 mm by 100 mm हुआ। ये जो आप भी ब्लॉक देख रहे हैं तो भी ब्लॉक का मुख्य रूप से उपयोग है, ये जो गोल जॉब देख रहे हैं तो गोल जॉब को सपोर्ट करना ताकि इसके ऊपर मार्किंग कर सकें। तो यहाँ इस गोल जॉब पे हमें मार्किंग करना है या इसका सेंटर निकालना है। तो इसे भी ब्लॉक के ऊपर रखते हैं और फिर क्लैंप के द्वारा इधर क्लैंप लगाते हैं और फिर इस साइड क्लैंप लगाते हैं और फिर इसे टाइट कर लेते हैं। और अगर इसका सेंटर निकालना है तो बर्नियर हाइट गेज लेते हैं और इसके ऊंचाई के अनुसार इसे यहाँ पे रख के इस प्रकार मार्किंग करते हैं, फिर इसे घुमाते हैं और फिर इस प्रकार फिर इसे घुमाते हैं और फिर 3-4 बार इसे घुमाकर हाइट गेज के द्वारा इस प्रकार कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका एक सेंटर निकल चुका है। तो इस प्रकार ये जो वी ब्लॉक है तो वी ब्लॉक का मुख्य रूप से कार्य है मार्किंग के समय होता है। सीरियल नंबर 37 एंगल प्लेट, तो ये हमें चाहिए 150 mm गुना 150 mm गुना 250 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम एंगल प्लेट बोलते हैं। यह एंगल प्लेट है और इसका साइज 250 mm बाई 150 mm और ऊंचाई 150 mm है। तो अगर हम इसे नापते हैं तो यहां देखिए 25 सेंटीमीटर, मतलब 250 mm यह लंबा है और इसका जो चौड़ाई है तो यह भी देखिए यहाँ यह 150 mm है, ठीक है। और ऊंचाई यहाँ देख रहे हैं यह भी 150 mm है। ये जो आप एंगल प्लेट देख रहे हैं तो एंगल प्लेट का प्रयोग मार्किंग के समय किया जाता है। तो एंगल प्लेट को सबसे ऊपर, ये जो सरफेस प्लेट है सरफेस प्लेट के ऊपर एंगल प्लेट रखते हैं और जिस जॉब पे मार्किंग करना है उस जॉब को एंगल प्लेट के सहारे इस प्रकार रखते हैं और जिस ऊंचाई पे मार्किंग करना है उस हाइट को ये जो बर्नियर हाइट गेज है इस पर सेट करते हैं और फिर जॉब के ऊपर इस प्रकार मार्किंग करते हैं। सीरियल नंबर 38 पंच लेटर सेट, तो इसका साइज होगा 3 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसको हम पंच लेटर सेट बोलते हैं और इसका साइज 3 mm है और इसमें ए से जेड तक का लेटर उपलब्ध है और इसका प्रयोग किसी, ये जो जॉब देख रहे हैं किसी जॉब के ऊपर लेटर को पंचिंग हेतु किया जाता है। जैसे इसके ऊपर अगर हमें ITI लिखना है तो I को निकालते हैं और इसके ऊपर पंच करते हैं एमर के द्वारा, फिर T और फिर I। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस जॉब के ऊपर ITI लिखकर कंप्लीट हो चुका है। फिर सीरियल नंबर 39 पंच नंबर सेट, तो ये चाहिए हमें 3 mm का। ये जो आप देख रहे हैं तो यह पंच नंबर सेट है तो इसी को पंच नंबर सेट बोलते हैं। तो इसमें देखिए 0 से लेकर 9 तक इसमें नंबर है और इस पंच नंबर सेट का प्रयोग किसी जॉब के ऊपर नंबर को पंचिंग हेतु किया जाता है। जैसे इसके ऊपर अगर हमें 180 लिखना है तो इसके लिए 1 लेते हैं, फिर इसे इस प्रकार रखते हैं और हैमर के द्वारा चोट मारते हैं।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 180 नंबर इस पर पंच हो चुका है। इसी प्रकार किसी जॉब के ऊपर अगर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर पंच करना होता है तो इसी प्रकार हम पंच करते हैं। फिर सीरियल नंबर 40, पोर्टेबल हैंड ड्रिल इलेक्ट्रिक, तो इसका कैपेसिटी होना चाहिए 0 to 30 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसको हम पोर्टेबल हैंड ड्रिल इलेक्ट्रिक बोलते हैं और इसका कैपेसिटी 0 mm से लेकर 13 mm तक का है। मतलब कि 0 mm ड्रिल से लेकर 13 mm तक का जो यह ड्रिल है इसके अंदर सेट हो सकता है। जैसे यह 13 mm का ड्रिल है तो इसमें यह 13 mm का ड्रिल कसा सकता है। और इसका प्रयोग है, ये जो जॉब देख रहे हैं जॉब में होल करने हेतु किया जाता है। जैसे ये जॉब है, इसमें अगर हमें होल करना है तो इसे इस प्रकार बांध लेते हैं। फिर इसे टाइट करते हैं और फिर इसमें होल करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसके द्वारा इस होल को कंप्लीट किया गया है। सीरियल नंबर 41, ड्रिल ट्विस्ट स्टेट सैंक, तो ये हमें चाहिए 3 mm टू 12 mm बाई 0.5 mm, ठीक है। और ये हमें चाहिए हाई स्पीड स्टील का। ये जो आप देख रहे हैं तो इसको हम स्टेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल बोलते हैं। तो यहाँ जो आप स्टेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल देख रहे हैं तो इसका जो ये सैंक है यह स्टेट होता है और ये जो आप ड्रिल देख रहे हैं तो इसे हम टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ये सैंक है यह टेपर होता है। यहाँ पर हम 3 mm से लेकर 12 mm तक का स्टेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल उपलब्ध है जो कि 0.5 mm के डिफरेंस से बढ़ रहा है। जैसे यहाँ देखिए 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5, 7 mm, 7.5, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 9.5, 10 mm, 10.5, 11 mm, 11.5 और ये हो गया 12 mm। तो यहाँ हम देख रहे हैं 12 mm है, तो 12 mm स्टेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल को जब हम नापते हैं तो ये देखिए यहाँ पर भी 12 mm शो कर रहा है। ये जो स्टेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल है तो इसका प्रयोग किसी जॉब में होल करने हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल के द्वारा होल होकर कंप्लीट हो चुका है। सीरियल नंबर 42, ड्रिल ट्विस्ट टेपर सैंक, तो इसका साइज चाहिए हमें 8 mm टू 20 mm बाई 0.5 mm और इसका भी मटेरियल होगा हाई स्पीड स्टील का। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल बोलते हैं। तो इसका जो सैंक देख रहे हैं यह टेपर है तो इसलिए इसे टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल बोलते हैं। और यहां पर जो आप
टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल देख रहे हैं तो इसका रेंज यहाँ देखिए 8 mm से लेकर 20 mm तक है। तो 8 mm से 20 mm 0.5 mm के डिफरेंस से बढ़ता है। जैसे यहाँ देख लें 8 mm, फिर 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm, 10 mm, 10.5 mm, इसी तरह 20 mm तक। तो 8 mm से लेकर 20 mm तक टोटल 25 टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल होगा। और ये सभी HSS के हैं, मतलब हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। ये जो आप टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल देख रहे हैं तो इसके द्वारा किसी जॉब में होल किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो होल है टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल के द्वारा कंप्लीट किया गया है। तो इसके लिए ये जो टेपर सैंक है इसे ड्रिल मशीन में लगाते हैं। तो यहाँ देखिए टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल के द्वारा इस जॉब में होल को कंप्लीट किया गया है। ये जो टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल है तो इसका प्रयोग हम लेथ मशीन पर भी करते हैं। तो लेथ मशीन का जो ये भाग देख रहे हैं इसे हम टेल स्टॉक बोलते हैं। तो टेल स्टॉक में ही टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल को लगाकर किसी जॉब में होल करते हैं।